बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली स्पेगेटीज़ की रेसिपी। तो अगर आपको भूख लग जाए और आपका कुछ रोटी या सालन वगैरह खाने का दिल ना करे तो ये जस्ट आप 10 मिनट्स में बना के खा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्पेगेटीज़। सबसे पहले हमने एक खुले बर्तन में पानी ले लिया है, तकरीबन 5 से 6 गिलास हमने लिया है। वेट करेंगे, इसमें हमने ऐड कर देना थोड़ा सा ऑयल और 1 चम्मच नमक। इसमें हमने 1 चम्मच ये भर के नमक ही डाल दिया, हल्के थोड़ा सा ऊपर डाल देते हैं। अब बॉईल का हम वेट करेंगे और बॉईल आने के बाद हम इसमें स्पेगेटीज ऐड करेंगे। जैसे कि पानी हमारा अच्छे से उबल गया, अब हमने स्पेगेटीज के 2-3 दिन पीस कर लिए और ये हम डाल रहे हैं पानी में। ये तकरीबन 400 ग्राम है, यानी कि एक पूरा पैकेट जो होता है। अब इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, इसमें 1-2 फायदे मतलब कनी रहती हो तो उस टाइम हमने चूल्हा बंद कर देना और इसको स्टेन कर लेंगे इसमें से। जितनी देर हमारी स्पेगेटीज हो रही हैं इतनी देर हमने साथ एक कढ़ाई में ले लेना थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हमने गर्म करना है पहले। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हमने चिकन ले लिया 1/2 kg और इसके हमने बहुत छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट आप करेंगे डालेंगे, यानी नमक की थोड़ा सा कम और कम, ठीक है। 1/2 टीस्पून हम डाल देंगे रेड चिली, हल्दी हम तकरीबन 1/4 टीस्पून डालेंगे, हाफ टी स्पून हम डाल देंगे भर के ब्लैक पेपर, सोया सॉस तकरीबन 2-3 टेबलस्पून डालेंगे। हम चिली सॉस भी डाल देंगे, चिली सॉस अगर आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं लेकिन हम थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं। थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे सिरका और फिर इन सब चीज़ों को पका देंगे। स्पेगेटीज हो चुकी हैं, इसमें ज़रा सा फर्क है, इसको ऐसे तोड़ के देखें ज़रा सा बस है। इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे और थोड़ा सा ठंडा पानी इसके ऊपर डालेंगे। सॉस हमारी खुश्क हो रही है, इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा खुश्क करना है कि ये भुन जाए। जो जो चीज़ें डाली हैं इसकी ये सारी भुन जाए। ये हमारा ऑलमोस्ट डन है, 1 मिनट और करेंगे और इसमें अब हम ऐड करेंगे अपना 1 मिनट। चिकन हमारा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी केचप, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून की। ये जस्ट हमारा चिकन रेडी हो गया मसाला, बस 2-3 मिनट हमारे लगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पेगेटीज। स्पेगेटीज ऐड कर देते हैं, स्पेगेटीज का गलने का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है कि तो थोड़ा चिपक के ना ठंडा लग जाए। इसको आप मिक्स करके चेक कराती है, 5 से 10 मिनट में आपकी तैयार है, जस्ट इसका आपका उबालने का टाइम लगेगा। ये हमारी चिकन स्पेगेटीज तैयार है, इजी एंड क्विक इन 10 मिनट्स। तो
अब इसको हम प्लेट में डालते हैं और आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स हमारी इजी एंड क्विक स्पेगेटी तैयार है, मैं अभी आपको उनको टेस्ट करके बताती हूँ। और जस्ट 5 से 10 मिनट में बन गए, इतना टाइम ही लगा जितनी देर में आपकी स्पेगेटीज बॉयल हुई है। तो इनको हम टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में रिव्यूज़ दीजिएगा। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।